अस्सलाम वालेकुम, मैं शाफ शिप खुश आमदी बात करेंगे मन्नत मुराद के एपिसोड में 19 के प्रमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह उसे कहते हैं तो उसे माफ़ी मांगते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। वहीं पर उसकी माँ से कहते हैं कि तुम मायके नहीं जाओगे बल्कि तुम जाके अपनी बहनों को छुड़वा के लाओ, और वो जाता है उसकी जमानत करवा के। वहीं पर वो उसे काफ़ी नापसंद करती है, लेकिन वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है। उसकी बहुत सर तो उसी तरफ उसके घर वाले आते हैं तो उसे मन्नत की भाभी से समझाती है तो कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं और किस तरह से एडजस्ट करते हैं। वहीं वो उसे कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन बीवी बीवी पे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कहता है कि अब वहाँ पर मन्नत आके सब कुछ उसी का ही हाथ चलेगा। वहीं उसके ससुराल वाले आते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन वो उसकी भाभी भी उसे समझाती हैं और दूसरी तरफ उसके साथ कहती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। और उसे कहती है तुम यहाँ पे रुको, लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आने वाले एपिसोड में देखती हूँ, उसे मना लेता है और वो नहीं चाहती। और दूसरी तरफ उससे अपनी दोस्त से बात करती है और उसे कहती है कि वो अपनी माँ का पल्लू कभी नहीं छोड़ता, ना ही मेरी किसी बात को अहमियत देता है। दूसरी तरफ उसे कहता है कि अतर का एक्सीडेंट हो गया, अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या नहीं, वो कीड़ा खड़ा होगा मन्नत के आने से। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।